फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आपने मेरे पिछले व्लॉग में देखा, हमारे थे हम निकले थे तारा तारिणी के लिए एंड हम एक नाइट स्टे किया था गोपालपुर बीच पे। एंड आज हमारा सेकेंड डे एंड आज हम जा रहे तारा तारिणी एंड देन वहीं से हम बैक टू आवर होम। एंड ये भी हम कल हमारा ऑलमोस्ट 10 आवर्स का ट्रैवल हो गया था आने तक यहाँ गोपालपुर बीच तक। बहुत प्रॉब्लम्स हो गई थी रास्ते में, 1.5-2 घंटा तो कुछ पाने। एक वो जिस बस में हम आए थे उसकी EMI पेड नहीं थी, जो ओनर ने पे नहीं की थी, उसकी वजह से हमको फिर अपनी बस चेंज करनी पड़ी। उसी में 2 घंटे लग गए, पूरे 2 घंटे रुका, फिर आधे घंटे बाद बस आई हमारी। तो इसलिए हम कल बहुत लेट पहुँचे थे, वरना तो हम 1 बजे पहुँच जाते। तो बस अभी मैं हम रेडी हो चुके हैं एंड मेरी तबीयत अभी ठीक है पूरी। एंड अभी मैं आपको ना मस्त व्यू दिखाती हूँ, ये ओशन का इतना मस्त व्यू है यहाँ पे, समुद्र इतना अच्छा लग रहा है, मन नहीं कर रहा यहाँ से जाने का। तो अभी हम यहीं से फिर खड़े हैं, पापा चेकआउट कर रहे हैं, तो चलिए अभी मैं आपको दिखाती हूँ ओशन। आज हम गोपालपुर से निकल चुके हैं टूवर्ड्स तारिणी और थोड़ी देर के बाद आपको जलपान की सुविधा दिया जाएगा, फिर हम निकल पड़ेंगे तारिणी के लिए। वहाँ पे आपको सिर्फ 1 घंटे की समय दिया जाएगा, आप अपना घूमने का काम वहाँ पे खत्म करिए, सेल्फी वगैरह जो लेना है ले लीजिए, फिर हम लोग आगे निकलेंगे अनुगुल के लिए। गाड़ी की तापमान है 20 डिग्री और बाहर की तापमान 30, 10 डिग्री का डिफरेंस है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा मैनेज करेंगे। तो अभी गाड़ी में गाना भी चालू हो जाएगा, आप सफर का मजा लीजिए, थैंक यू, बाय बाय। को पायलट कल हमारी फ्लाइट भी चेंज हुई थी। ये इडली एंड मटर की सब्जी, उसके बाद हम तारा तारिणी के मंदिर दिखना स्टार्ट हो चुका है। बट घाटी चढ़ने से पहले हम थोड़ा पेट पूजा कर लें, तो हम आपको मिलते हैं खाने के बाद तारा तारिणी। आ गए अपना मतलब खा करके ब्रेकफास्ट एंड हम 2 चॉकलेट्स लाए, मैं लाई हूँ बबल गम फ्लेवर की बबली एंड अंशु तू के लिए है। मैं मॉस वाला फ्लेवर लाया और हम मूस वाला फ्लेवर लाया, हम दोनों इसको शेयर करेंगे, अभी हम इसका रिव्यू करेंगे। हाँ, अभी हम दोनों इन दोनों चॉकलेट्स का रिव्यू करेंगे एंड देखेंगे कौन सी सबसे ज़्यादा अच्छी है। तो चलिए पहले इसको ओपन करते हैं, दोनों 175 की हैं, ईच 175। तो चलिए पहले हम इस पैकेट को ओपन करते हैं, फिर आप रिव्यू। एक बबल गम का रिव्यू करने वाले हैं क्योंकि हम तारिणी में मूस का मेरा वाला करने वाले हैं। हाँ, हम तो उधर भी एंजॉय करेंगे एंड अभी पहले ये बबल गम टेस्ट करते हैं। टेस्टी है, इसको बबल गम का फ्लेवर आ रहा है, पहले डेरी मिल्क देन बबल गम एंड ये बहुत ज्यादा टेस्टी है। Thank you.
सो फ्रेंड्स, हम पहुंच गए तारा तारिणी मंदिर। ये उसके अंदर का व्यू है। ऊपर तो जैसे कि मैंने आपको बताया, हम बस से आए थे एंड देन उसके बाद ये हम अंदर चले गए। हम मतलब पापा भाई एंड मामू गए थे सिर्फ, एंड मेरा छोटा भाई बस। मैं आपको बताऊँ कि हम लोग क्यों नहीं गए थे। तो बस अभी आप इंजॉय कीजिए, यहाँ का व्यू बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। एंड यहाँ के मंदिर के बीचे बीच ना एक केज बना हुआ है और उसके अंदर भी कोई दो भगवान रखे हुए हैं। एंड ये बहुत बड़ा मंदिर है। हम जब आए थे 2019 में, ये बड़ा था बट इतने इसके बाउंड्रीज नहीं थी और हमने इतना नोटिस नहीं किया था। मुझे लग रहा है इतना एक्सटेंडेड तो नहीं था बट उसकी बाउंड्रीज डेफिनेटली नहीं थी। ये थोड़ा पूरा ओपन एरिया था और यहाँ का जो व्यू है बहुत अच्छा है क्योंकि ये पहाड़ के ऊपर मंदिर बना हुआ है। एंड पहाड़ के ऊपर है तो इसके नीचे का जो व्यू है वो तो मतलब माइंड ब्लोइंग है। रिवर्स दिखती है, विलेजेस दिखते हैं, बहुत 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 ज़्यादा अच्छा है। तारातारिणी में हम दर्शन कर चुके हैं और अभी हम डायरेक्ट जाएंगे। मैंने रुकेंगे लंच के लिए बट अभी तो कंटिन्यू हमारा अभी ट्रिप चलता रहेगा। एंड बस हमारा वीडियो भी यहीं पे एंड करते हैं। ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट ट्रिप ब्लॉग में एंड कंटिन्यू करेंगे ओडिशा सीरीज। बाय।